22 जनवरी को भारत में जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है। और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी ये सारे लोग जो हैं इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है। सभी को जय श्री राम। ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हालिया ड्रामे और राम मंदिर के बड़े पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो लोग डंके की चोट पर खुद को धर्म निरपेक्ष बताते हैं वो धर्म निरपेक्षता का जो ये पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर ये फंस कर रह चुके हैं। जैसे ही राम मंदिर को लेकर हमारा संघर्ष शुरू हुआ धर्म निरपेक्षता को बताते बताते कुछ सेकुलर लिब्रांडो राम के खिलाफ हो गए। सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं चीजें, इसलिए हमें भी इनका नकाब उतरा हुआ चेहरा, एक गंदे चेहरे कांग्रेसियों के, लिबरलों के, ये हमें हर रोज दिखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज फ्लैश सेंट्रल चैनल पर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है यानी उस दिन जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा यानी रामलला जो स्थापित किए जाएंगे और ये गूंज पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि अयोध्या सहित पूरा भारतवर्ष भी इसके लिए काफी खुश है और 22 जनवरी को दिवाली मनाने और सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है ये दुनिया के अंदर कई जगह पे जहाँ पे भारतीय रहते हैं वहाँ पे तो इसके डिस्कशन, चर्चे और सेलिब्रेशन की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो इस समारोह में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोगों को अयोध्या में 5 जनवरी को ब्लैक भी किया गया है समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ दुर्भाग्यवश इंडिया में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अयोध्या में जाने के लिए इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाप शनाप कहना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों मॉरिशियस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेंपल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेंपल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा, जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेंपल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पैरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। देन फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो राम रथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशन पैरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है। सो इट मीन्स दैट द इंडियंस एंड पर्टिकुलरली द हिंदूज इन ऑल दीज कंट्रीज दे बिलीव दैट दिस इज अ रियली मोमेंट ऑफ जॉय, दिस इज अ मोमेंट दे आर रिक्लेमिंग देयर हिस्ट्री।
वो समझते हैं कि हमें हमारे जो हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, सो हम वी आर बैक। सो मॉरिशियस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, मैं उनको देख रहा था, मनीष गोबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये ग्लोबल इवेंट है, इसके इम्पैक्ट होंगे, ये ऐसे तो नहीं कोई चीज़ होती ना, इस चीज़ के इम्पैक्ट होंगे। इट मीन्स दैट सम हाउ द जो इंडियंस हैं जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो इंडियंस अमेरिका में हैं, जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यूरोप में जो बैठे हुए हैं, दे बिलीव दैट इंडिया इज कमिंग, इंडिया इज री इन्वेंटिंग इट सेल्फ, एक नया इंडिया है जिसको वो देख रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ है दैट द पीपल लार्जली, कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है उससे तो पता ये चलता है, और जो मैसेजिंग आती है वो यही है कि इंडिया मे बी सेकुलर बट अ बिग सेक्शन ऑफ इंडिया दे बिलीव इन रिलीजन, वो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भले एक सेकुलर मुल्क होगा लेकिन वहाँ पे देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल हु बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। सो इट सीम्स दैट के जो इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके उनकी इस पे जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है वो इसको एक एक नया कलर आएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली ये बताना शुरू कर दिया है लोगों को कि भाई अब इंडिया जो है उसको इन लेंस से देखें। 22 जनवरी जिस दिन सेरेमनी है राम मंदिर की, उस दिन ये एक ग्रैंड सेरेमनी होगी, ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। इसकी वजह ये है कि हमारा माइंडसेट बदले या ना बदले, जो तरक्की करने वाले कंट्रीज हैं उनका माइंडसेट बदल चुका है। आपने देखा कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे तशरीफ लाए इंडिया, और वहां पर कैसे शेख साहब हैं उनकी जफियां आपने देख ली, गले मिले वो, कि किस तरीके से एक दूसरे को भाई जो है वो कहा गया। तो इसी के साथ गोल्डन गेट का बड़ा चर्चा है कि जनाब वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि वहां पर जो गोल्डन डोर लगाया गया है वो कहा जा रहा है कि कोई 13 से 14 ऐसे सोने के दरवाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं।